गुड मॉर्निंग डीलर। आज डीलर की कक्षा में आपका स्वागत है। और कल मैंने आपको शिक्षण प्रविधियाँ और युक्तियाँ कुछ बताई थी। उनमें विवरण प्रविधि, व्याख्यान प्रविधि और वर्णन प्रविधि के बारे में बताया था। आज का हमारा टॉपिक रहेगा निरीक्षण प्रविधि या अवलोकन प्रविधि। तो अवलोकन का मतलब होता है किसी को ध्यानपूर्वक देखना, ठीक है, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति समूह को ध्यानपूर्वक देखना अवलोकन के अंतर्गत आता है। और उसको ध्यानपूर्वक देखकर उसकी क्रियाओं को, उसके हाव भाव को लिख लेना, ये सब निरीक्षण के अंतर्गत आता है। तो अवलोकन और निरीक्षण दोनों साथ साथ ही चलते हैं। इसके साथ साथ अवलोकनकर्ता जो है वो अपने आप को हमेशा अवलोकन करते समय, अवलोकनकर्ता अपने आप को जो जिसका अवलोकन कर रहे हैं उससे दूर रखे, उसे पता ना चले जिसका अवलोकन हो रहा है कि जो कि उसको कि उसे कोई ऑब्जर्व भी कर रहा है। यदि उसे अगर पता चल गया तो वो अपना व्यवहार नजर की न रखे, कृत्रिम रखेगा, है ना। और इस प्रविधि द्वारा किसी वस्तु, स्थान या क्रिया का स्पष्ट स्थायी ज्ञान बड़ी सरलता से मिल जाता है। प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए जितना उपयोगी उससे संबंधित वस्तु और क्रियाओं का निरीक्षण होता है, उतनी ही अधिक उपयोगी अन्य कोई क्रिया नहीं होती है। किसी बगीचे में अगर हमें पौधे लगाने हैं, ठीक है, किसी बगीचे में अगर हमें पौधे लगाने हैं तो पौधे लगाने वाला पहले उस चीज़ को ऑब्जर्व करेगा कि इतने घेरे में कितने पौधे लगाए जा सकते हैं, फिर गणित के माध्यम से सही सही उसकी संख्या ज्ञात करेगा कि कितनी दूरी पर रखा जाए। उसके बाद उसके जो है पेड़ों की गणना के आधार पर उतने पौधे लगा देगा। भूगोल में नदी, झरना, पर्वत आदि का भ्रमण अगर करना है, या बागवानी में खेती का निरीक्षण करना है, सिंचाई, बुवाई, कटाई को देखना है, कला में भवन आदि को देखना, ये सब जो है ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत आता है। किसी वस्तु आकार को उससे कुछ सीखने की दृष्टि से खोजपूर्ण व तर्कपूर्ण तरीके से देखना निरीक्षण व अवलोकन कहलाता है। कुछ सावधानियां हैं जो निरीक्षण करते समय हमें बरतनी चाहिए। सबसे पहले कि निरीक्षण हेतु हमें हमारे पास कोई पूर्व योजना हो, है ना, बिना प्लानिंग के कोई काम सफल नहीं हो सकता। इसके साथ साथ निरीक्षण के समय हमें क्या क्या देखना है, शिक्षा ग्रहण करते समय इसकी क्या उपयोगिता होगी, यह पहले से ही लिख लेना चाहिए ताकि हमें पता चल जाए कि हमें ऑब्जर्वेशन करना है तो करना किसका है और इसके पीछे उद्देश्य क्या है। निरीक्षण करते समय शिक्षक को भी साथ में रहना चाहिए, ठीक है, या कोई अनुभवी व्यक्ति आपके साथ हो जिससे गलती होने पर वो आपको सही समय पर सलाह दे सके। और अगर आपको बच्चों का निरीक्षण करना है तो उन्हें स्वतंत्र अवसर दो, उन्हें किसी प्रकार के बंदिशों में मत, ठीक है। अब आते हैं कि निरीक्षण होते कितने प्रकार के हैं। तो निरीक्षण जो है सबसे पहला हमारा निरीक्षण होता है अधिगम उन्मुखी। कुछ निरीक्षण होते हैं जिसमें हम बच्चों को सिखाने का प्रयास करते हैं, ठीक, तो इसमें किसी वस्तु, व्यवस्था, स्थान आदि के नए ज्ञान को सीखने के लिए करते हैं। उनकी बनावट, तकनीकी, प्रबंधन आदि में प्रयुक्त ज्ञान व तकनीक का हम अध्ययन करते हैं और उससे किसी नई वस्तु का, किसी नई चीज का हम सृजन करते हैं, तो निरीक्षण अधिगमोन्मुखी
हो जाता है। ठीक है, दूसरा आता है छिद्रान्वेषण। छिद्रान्वेषण का मतलब होता है कमियां देखना। ठीक है, किसी जब किसी वस्तु व्यवस्था में त्रुटि या कमी को खोजने का प्रयास करते हैं तो उसे छिद्रान्वेषी अवलोकन कहते हैं। प्रायः किसी व्यवस्था के खराब होने पर या दुर्घटना होने पर शिक्षक हेतु ऐसे निरीक्षण के लिए प्रेरित करना, जैसे किसी स्थान पर जमीन फट जाए या ज्वालामुखी फूट जाए, फूटने पर भूगोल के छात्रों को इस शिक्षण प्रविधि के माध्यम से वो सीखते हैं और घटना के कारणों का पता लगाने का या उस घटना का परिणाम क्या निकला इसके लिए वो अवलोकन का कार्य करते हैं। फिर अगला आता है उदासी अवलोकन विधि। इसे तटस्थ अवलोकन विधि भी कहते हैं, जिसमें जो है शिक्षक इसमें शिक्षक के सम्मुख शिक्षण हेतु जो विषय वस्तु प्रदान करी जाती है, कोई स्थान आदि दिखाया जाता है, उसको समान रूप से देखकर छात्र द्वारा उसे बाहरी स्वरूप से ही संतुष्ट कर लिया जाता है। कहानी कथन विधि, प्राचीन कालीन मध्यकालीन इतिहास को कहानी के रूप में कहना, कथन के रूप में कहना, इसका विशेष प्रचलन है कि आज भी हम कहानियों को विशेष महत्व देते हैं। हमारी दादी माँ कहानियाँ सुनाया करती थी, नानी कहानियाँ सुनाया करती थी बचपन में, और जब उन कहानियों को सुनते थे तब हमें ऐसा लगता था कि हम उस कहानी का एक हिस्सा हैं, है ना। परीलोक की कहानियाँ सुनाया करती तो हम भी सोचते थे कि हम भी परीलोक में आ गए हैं। तो कहानी जो है किसी घटना काल उद्देश्य के आधार पर हम कहानी को घटा बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, तो कहानी का कुल कहानी कहने का या कथन कहने का उद्देश्य क्या होता है, बच्चों का मनोरंजन करना। तो कहानी कथन में जो है कुछ बातें हैं उन्हें हमें ध्यान में रखना है कि कहानी जो है का चयन विषय और प्रकरण के अनुसार रखना है। ठीक, और जैसे हमें अगर 26 जनवरी पर अगर हमें बच्चों को कहानी सुनानी है तो हमें देश की आज़ादी से संबंधित जो किसी महापुरुष की कहानी है कहानी सुनानी पड़ेगी। ठीक, अगर हम घर में अगर बच्चों को कहानी सुना रहे हैं तो हमें राजा रानी या परलोक की कहानी, तो हम स्वतंत्र हैं, हम कोई सी भी कहानी सुना सकते हैं। अगर हम शिविर में गए हैं तो शिविर संबंधित अपनी कोई घटना को कहानी का रूप प्रदान करके बच्चों को सुनाना। इसके अलावा कहानी के पात्रों घटनाओं का चयन बच्चों की आयु और रुचि के अनुसार करना चाहिए। किसी बड़े बच्चों को आप परियों की कहानी सुनाएंगे वो नहीं सुनेगा, मज़ा नहीं आएगा उसे। ठीक है, और छोटे बच्चों को अगर आप जो है अपने अनुभवों के बारे में बताएंगे छोटे बच्चों को तो वो भी बोर हो जाएंगे। कहानी सुनाने से पूर्व शिक्षक को उस कहानी का अच्छी तरह से अभ्यास कर लेना चाहिए। इसके साथ साथ कहानी सुनाते समय अध्यापक को सभी छात्रों की तरफ देखना चाहिए। कहानी के मुख्य अंश को बार बार दोहराना चाहिए जिससे बालक का ध्यान उस कहानी पर केंद्रित रहे। कहानी सुनाते समय बीच बीच में छात्रों से उस कहानी के पात्रों घटनाओं के बारे में पूछा जाता रहना चाहिए। कहानी का संबंध छात्र के वर्तमान व भविष्यकाल से संबंधित हो। कहानी का वर्णन विस्तार पूर्वक होना चाहिए। कहानी उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए और कहानी छोटे छोटे भागों में विभाजित होनी चाहिए। कहानी में जो है नैतिक व सामाजिक गुणों का विकास हो। जी हाँ, अगर हम कहानी को सुना रहे हैं इसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, बच्चों में नैतिक और सामाजिक गुणों का विकास करना, अपने विचार व्यक्त करने की क्षमता प्रदान करना, बच्चों में कल्पना शक्ति का संचार करना, कक्षा के गंभीर वातावरण को हल्का करना और पाठ्य वस्तु के प्रति रुचि उत्पन्न करना, यह हमारे कहानी या कथन विधि का उद्देश्य है। अगला हमारा अंतिम युक्ति रहती है आपकी स्पष्टीकरण यानी एक्सपोजिशन।
असंरचित तथा कठिन प्रकरणों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना ही स्पष्टीकरण कहलाता है। ठीक, इसमें विषय वस्तु का प्रस्तुतीकरण क्रमबद्ध, सुनियोजित और विस्तृत रूप से किया जाता है। स्पष्टीकरण को प्रभावशाली बनाने हेतु निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना है कि स्पष्टीकरण की भाषा शुद्ध व सरल हो। स्पष्टीकरण देने से पूर्व शिक्षक को भली भांति उस के अंश का अध्ययन उस विषय के उस अंश का अध्ययन कर लेना चाहिए ताकि संपूर्ण ढंग से शुद्धता के साथ उस अंश का स्पष्टीकरण किया जा सके। स्पष्टीकरण करते समय ज़्यादा से ज़्यादा कठिन अंशों को कम तथा पक्षों को आवश्यकता अनुसार विशेष सावधानी के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। स्पष्टीकरण सही ढंग से हो तो इसलिए वह उस प्रविधि का प्रयोग करे जिसका उपयोग अति आवश्यक। पाठ को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दें। स्पष्टीकरण से पूर्व छात्रों के उद्देश्यों को बता दें। स्पष्टीकरण को प्रभावी बनाने के लिए सहायक सामग्री, दृश्य सामग्री और दृष्टांत, उदाहरण आदि का प्रयोग करें। तो इस तरीके से हमने स्पष्टीकरण प्रविधि, कहानी प्रविधि और आपके अवलोकन प्रविधि, इन जो तीन का अध्ययन कर लिया है। अब कल हमारी जो टॉपिक होगा वो सामूहिक कार्य की युक्तियों पर होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू क्लास।